प्रतिनिधि लोकल जनता के हितों की बात करेगा, काम करेगा, तो जो काम करता है उसके लिए जनता धन्यवाद करती है। देखिए, जनता को पता है कि इस फ्लाईओवर का, शास्त्री पार्क का, आगे सिलम ये काम करने के लिए हम लोगों को आमरण। अलीगढ़ वालों का पसंदीदा सुनील फैमिली ढाबा, शुद्ध शाकाहारी। हमारा पता है बुलंदशहर, वलीपुरा नहर, खुर्जा रोड। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। अनशन पे बैठना पड़ा था और यही दिल्ली की सरकार, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है तो वो फीता काटेंगे, उनको काट ही रहे हैं, तरह तरह से दिल्ली को काट रहे हैं, प्रदूषण से काट रहे हैं, भ्रष्टाचार से काट रहे हैं। लेकिन जनता ने जो आज धन्यवाद दिया है, इसका मैं शब्दों में शुक्रिया नहीं कर सकता। मैं सबके सामने नतमस्तक हूँ, हाथ जोड़ कर। मतलब कहने का मतलब यह है, मनोज तिवारी जो संघर्ष किया था, मनोज तिवारी ने यहाँ पर वो रंग लाया। नहीं, ये संघर्ष ही नहीं था, संघर्ष भी था और दिल्ली सरकार के अड़चन के विरुद्ध फंड लेकर के आया, एलजी को डायरेक्ट करना पड़ा। और आज हम लोगों को 18 घंटा यहाँ पे अनशन पे बैठना पड़ा, तब जाके ये कार्य हुआ। आपके साथ में जनसभा क्या कहना चाहेंगे? मैं बस जनता को नमन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ये फ्लाईओवर, ये सारा हमने ट्रैफिक जाम से मुक्त किया, ऐसे ही बहुत जल्दी एलिवेटेड रोड बना के खजूरी जाम को भी मुक्त कर दूंगा। देखिए, आज दिल्ली के हिटलर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये हम लोगों का, यहाँ के लोगों का जवाब था। उन्होंने बगैर बताए, हम लोगों को बगैर इन्फॉर्म किए, प्रोटोकॉल के खिलाफ उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इस फ्लाईओवर के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो माननीय मनोज तिवारी जी ने किया है। मैंने 3 बार विधानसभा में इस फ्लाईओवर के लिए आवाज़ उठाई। अभी कुछ माह पूर्व लॉकडाउन के दौरान मैं, मनोज तिवारी जी, अजय महावर जी, सब लोगों ने यहाँ का दौरा किया था, आपको याद होगा। उसके बाद प्रोटोकॉल ये कहता है कि हम लोगों को आमंत्रित करना चाहिए था और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिटलर अरविंद केजरीवाल को ऊपर उठना चाहिए था और हम लोगों को आमंत्रित करना चाहिए था। आज शास्त्री पार्क की जनता ने, मेरी विधानसभा ने, नॉर्थ ईस्ट जिले ने हिटलर अरविंद केजरीवाल को जवाब दे दिया है कि जनता मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करने आई है। अरविंद केजरीवाल, तुम जब उद्घाटन करने आए थे, चंद्र लोग थे, उनमें से ज़्यादा सरकारी अधिकारी थे, लेकिन आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो लोग मनोज जी का दिल से धन्यवाद करने के लिए।